हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे इस नए वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया फ्रूट के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं वीडियो और जान लेते हैं पहले उस फ्रूट के बारे में। तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले बढ़िया वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। तो जिस फ्रूट के बारे में हम बात करने वाले आज, उस फ्रूट का नाम है जामुन। जैसा कि इन बीमारियों में जामुन का बहुत ही फायदा है, डायबिटीज़ के अंदर जामुन का बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। हृदय रोग यानी जो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां उनके अंदर भी जामुन का बहुत ही फायदेमंद है। दांतों से रिलेटेड उनमें भी जामुन बहुत फायदेमंद है। बात करें इन्फेक्शन की बीमारी के अंदर भी जामुन का बहुत ही फायदा है। और जो खून की कमी होती है उसके अंदर भी जामुन का बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। खून साफ करना, जामुन का रस पीने से पेट के अंदर, शरीर के अंदर शीतलता बनी रहती है। गर्मी के कारण हो रहे सर दर्द में जामुन का सेवन करने से फायदा मिलता है। और जो जॉन्डिस यानी कि पीलिया की बीमारी है उसके अंदर इस जामुन का बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। इस जामुन का रस पी सकते हैं और इसे खा भी सकते हैं, दोनों तरह से काम करने वाला है। इसके अंदर कोई दूसरी चीज़ें नहीं है। तो तुतलानेपन की बीमारी होती है ना, जो अखलाके बोलते हैं, अटक अटक के बोलते हैं, उनके लिए भी जामुन का फायदा बहुत बढ़िया है। और जिनको खट्टी डकारे आती है उनके लिए भी जामुन का बढ़िया फायदा है। जैसा कि आप बात करें तो जामुन के अंदर जो चीज़ें मौजूद है उन चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर मौजूद है जामुन में। ये जो पोटेशियम है इसके साथ साथ आयरन भी मौजूद है इसके अंदर। विटामिन सी जामुन के अंदर मौजूद होता है। फाइबर जैसे तत्व इस जामुन के अंदर मौजूद है। तब इसे सेवन करने की विधि जान लेते हैं हम, किस तरह हमें इन बीमारियों के अंदर सेवन करना है जामुन का, तो उसके लिए हम जान लेते हैं। तो ये जो जामुन है ये हमें पके हुए जामुन ले लें, उनका रस बना के भी पी सकते हैं हम। पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है उसके अंदर, आपको डायरेक्ट जामुन का रस ही निकालना है और उसका सेवन करना है। और इसे जामुन को चबा चबा के जो खाने का तरीका वो उस तरह खा भी सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बीमारियां बताई है और जो इसके अंदर जो मौजूद जो आयरन प्रोटीन वगैरह ये बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर मौजूद है, बहुत ही फायदा करता है। तो मैं जिस तरह मैंने आपको जो बीमारियां बताई है उन बीमारियों के अंदर जो मैंने तरीका बताया सेवन करने का, उस तरीके से आप सेवन कीजिए और इन बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगी जो मैंने बीमारियां बताई हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में इसी तरह अच्छी रेमेडी लेके आप सभी से।